प्रिय छात्र, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से मैं राम सुरेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का विषय वर्ग दशम का भौतिकी भाग टू। भाग टू का अर्थ हुआ कि भौतिकी का इस चैनल पर दूसरा क्लास है, दूसरा दिन क्लास है। आज मैं आपको दर्पण के बारे में पढ़ाऊंगा, कल मैं आप सभी को परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम तथा वास्तविक प्रतिबिंब और अवास्तविक प्रतिबिंब पढ़ाया। आज मैं आप सभी को दर्पण के संबंध में पढ़ाऊंगा। दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है? तो देखिए, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती हो, परावर्तित करती हो अर्थात वह प्रकाश को अपनी सतह से वापस करती हो, जिसका एक सतह रंजित अर्थात कलई अवश्य हो। कलई का अर्थ होता है रंगा हुआ हो। जैसे आप देखे होंगे कि ऐनक जिसमें हम चेहरा देखते हैं, उस ऐनक के कवर को अगर हटाएंगे, पिछले वाले कवर को हटाएंगे, तो आप देखेंगे कि वह रंगा हुआ रहता है। उसी रंगे हुए भाग को रंजित भाग या कलई भाग कहते हैं। अगर कलई नहीं किया हो तो परावर्तक सतह नहीं बन सकता और हम प्रकाश का वहां से परावर्तन नहीं हो सकता और हम किसी भी वस्तु का छाया नहीं देख सकते। प्रिय बच्चे, दर्पण, दर्पण को हम एक साथ ही आज समझेंगे। इन पर बहुत सारी कूचने रहती है, बहुत सारे कूचन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लघु त्रिय कुछ कोई भी कूचन बन सकता है। तो हम कैसे बनेगा आज आपको बतलाएंगे। आज दर्पण के विषय में आप बहुत कुछ सीखेंगे। अर्थात दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करे, जिसका एक सतह रंजित हो अर्थात कलई हो, रंगा हुआ हो। जो भाग कलई होता है वह अपारदर्शी भाग हो जाता है और जहां कलई नहीं होता, जिस सतह पर प्रकाश की रोशनी पड़ती है, जिस पर हमें चेहरा दिखलाई देता है, वह परावर्तक सतह होता है। अतः दर्पण में दो सतह होती है, एक परावर्तक सतह और एक कलई भाग यानी रंजित भाग। बच्चे, दर्पण को तीन भाग में हम बांटते हैं, अर्थात दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण। प्रिय बच्चे, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, यहां देखें, उत्तल दर्पण हम उसको कहेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो, परावर्तक सतह उभरी हो। यहां दर्पण बतलाया गया है उत्तल दर्पण, यहां पर कलई भाग है जिसको रंगा हुआ दिखाया गया है, इधर प्लेन भाग है जो परावर्तक सतह है, अर्थात इस पर प्रकाश की रोशनी इधर से जाएगी, इसलिए इसे परावर्तक सतह कहते हैं और यह कलई भाग है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, परावर्तक सतह उठा हो, उभरा हो, उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं और इसका ढांसा हुआ भाग कलई होता है। अतः उत्तल दर्पण का परिभाषा हुआ
कि उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो तथा उसका धसी भाग कलई हो। इसका उपयोग कहां कहां होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के साइड मिरर में, यानी गाड़ी में ड्राइवर के बगल में जो होता है ऐनक, वह साइड देने के लिए होता है, उसका शीशा उत्तल दर्पण का होता है, क्योंकि यह पीछे से आने वाले सवारी का इंडिकेट करता है और आसानी से ड्राइवर उस गाड़ी के अनुसार, पिछला गाड़ी के अनुसार साइड देता है, इसलिए इस मिरर को साइड मिरर कहा जाता है। यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो छोटा होता है और इसका उपयोग सौर सेल में ही किया जाता है। प्रिय बच्चे, इस तरह से उत्तल दर्पण से संबंधित कई ऑब्जेक्टिव आपको मालूम हो गया। अतः परीक्षा में पूछ सकता है जिस दर्पण का उभरा भाग परावर्तक हो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? ए में रहेगा उत्तल दर्पण, बी में रहेगा अवतल दर्पण, सी में रहेगा समतल दर्पण, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो हम उत्तल दर्पण चेकेंगे, रंगेंगे। और जिस दर्पण का धसी भाग कलई हो उसे कौन दर्पण कहेंगे? तो उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है? अगर दो नंबर का लिखना हो तो हम ये सारे बिंदु को लिखेंगे कि वह वाहनों में साइड मिरर में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने में, छोटा प्रतिबिंब बनाने में और सौर सेल में करते हैं। प्रिय बच्चे, ऑब्जेक्टिव में रंगने में ऐसे भी पूछ सकता है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में रहेगा अवतल दर्पण, बी में रहेगा समतल दर्पण, सी में रहेगा उत्तल दर्पण, डी में रहेगा सभी। तो प्रिय बच्चे, हम उत्तल दर्पण को रंगेंगे। इसी तरह से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? ए में रहेगा समतल दर्पण, बी में रहेगा अवतल दर्पण, सी में रहेगा उत्तल दर्पण, डी में रहेगा सभी या कोई नहीं। तो हम जो है ना देखेंगे कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, उत्तल चेकेंगे। छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल में रंगेंगे। सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? उत्तल में। इसी तरह से उत्तल दर्पण की सारी कहानी हम इस बिंदु में आपके समक्ष दर्शाया। अवतल दर्पण किस दर्पण को कहते हैं? तो अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धसी हो। जैसे इसमें परावर्तक सतह जो बिना रंगा हुआ है वह परावर्तक सतह धसा हुआ है, इसमें प्रकाश इधर से जाएगा। और कलई भाग उभरा हुआ है, अर्थात जिस दर्पण का परावर्तक सतह धासा हो, कलई भाग उभरा हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहां होता है? हजामती दर्पण में, माने हजामती में, सैलून में, दाढ़ी बनाने में, बाल काटने में। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है? अवतल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल दर्पण। चिकित्सा में यानी दांत, नाक, कान से संबंधित घाव को, खुरा फुंसी को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। गाड़ियों के अग्रदीप में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। तो प्रिय बच्चे, इस तरह से अवतल दर्पण से संबंधित सारे कथा कहानी को जो है हमने आपके समक्ष रखा। ठीक इसी तरह से समतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका कोई एक भाग कलई हो, यह समतल दर्पण है। कलई भाग भी प्लेन है और परावर्तक सतह भी प्लेन है। प्रिय बच्चे, जिस दर्पण का कलई भाग और परावर्तक सतह दोनों प्लेन हो, दोनों समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। यह वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग प्रदर्शनी में करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं,
इस तरह से प्रिय बच्चे हमने जो है ना समतल दर्पण का और अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का सारे बिंदु को दर्शाया। प्रश्न अगर पूछता है कि उत्तल दर्पण क्या है इसका उपयोग लिखे, इसको लिखेंगे। अवतल दर्पण क्या है इसका दो उपयोग लिखे, इस बिंदु को लिखेंगे। समतल दर्पण क्या है इसका दो उपयोग लिखे, इस बिंदु को लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ में रंगने के लिए रहेगा, उसे हम बतला चुके। अब बच्चे ध्यान देना है कि कभी कभी पूछता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है, तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। इसमें हम ऐसे अगर डाल देते हैं, इधर उत्तल हो गया, इधर अवतल हो गया, एक बिंदु करके इसी बिंदु को लिख देंगे, या ए भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका अंतरात्मक हो गया, अंतर हो गया कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी हो उत्तल दर्पण कहलाएगा, जिसका परावर्तक सतह धसी हो अवतल दर्पण कहलाएगा, जिस दर्पण का धसी भाग कलई हो उत्तल दर्पण होगा, जिसका उभरी भाग कलई हो अवतल दर्पण होगा। इसका उपयोग कहां होता है, यहां लिखा हुआ है, इसका उपयोग कहां होता है, यहां होता है। और अंतिम में अगर डी में आप फिगर भी दर्शा देते हैं तो कोई टेंशन नहीं। इस तरह से प्रिय बच्चे आपको आज मैंने भौतिकी के भाग टू में जो है दर्पण से संबंधित सारे कथा कहानी को दर्शाया। आपसे निवेदन है कि आप किसी साल का क्वेश्चन उलट कर देखे, क्वेश्चन बैंक उलट के देखे, अगर दर्पण से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसे आप आसानी से बना सकते हैं। इस दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसका नाम दूसरा नाम प्रिय बच्चे अपसारी दर्पण और इसका अभिसारी दर्पण। जैसे लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्रिय बच्चे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे अच्छी तरह से पढ़े और जब एक घंटा पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले, तो आधा घंटा क्वेश्चन बैंक से संपर्क रखे। सारे जो है 2021 2018 17 20 सभी क्वेश्चन को देखे और देखे कि दर्पण से संबंधित क्वेश्चन अगर है तो उसका आंसर इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो हमारी चैनल आगे बढ़ेगा। और आपसे खास करके निवेदन है कि अगर आप मेरे कोचिंग में हैं और आप ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं या पढ़ते थे या फिर पढ़ेंगे, तो आप से निवेदन है कि अच्छी तरह से और पढ़ें, आपकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जनवरी फरवरी में हम लोग पढ़ाए थे। और जो बच्चे हमारे यहां नहीं पढ़े हैं, कहीं किसी कोचिंग में पढ़े हैं, उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है। जो कहीं नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि आज आप जान गए। प्यारे बच्चे जो दूर दराज के हैं, जो यहाँ ऑफलाइन में नहीं आ सकते कभी, उनसे और जो बच्चे अगर दूसरे कोचिंग में भी पढ़ते हैं, लोकल हो, यहाँ के हो या किसी भी कोने के हो, अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हर चैनल का एक शर्त होता है, वह शर्त अगर पूरा नहीं होता है तो चैनल बंद हो जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप में और हम में अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है, अगर पढ़ाई से आप खुश हैं और हमारे और आपके बीच में अगर किसी प्रकार की दरार है तो उस दरार को बंद करके आप सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपको ही घाटा लगेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल बंद हो जाती है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं वो आज न तो कल ऑफलाइन में पढ़ ही लेंगे, इसलिए आप ये नहीं समझे कि हम इस कोचिंग का नहीं है, बन्ना कोचिंग के नहीं है, तो हम बन्ना कोचिंग को यानी बन्ना शिक्षण संस्थान को यानी राम श्रेय जी की हम मदद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप सब्सक्राइब करें तभी आपको फायदा होगा, आप बीच की खाई को बंद करें और किसी तरह से गुण को पकड़े। गुण प्यारा होता है, आप दूर हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें
आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना अधिक सब्सक्राइब होगा उतना यह चैनल विकसित होगा और आपको हमेशा पढ़ाई मिलता रहेगा। अन्यथा शर्त पूरा नहीं होने पर जो है चैनल बंद हो जाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अगर हमसे दूर हैं और किसी कारण से नजदीक भी है तो हमने और आपके बीच में अगर कोई खाई है कि हम उनके कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, हम जो है उस एरिया के नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं सोचे। आप सब्सक्राइब करें, आप ही को अधिक फायदा होगा, क्योंकि बंद होने पर मेरे कोचिंग का बच्चा ऑफलाइन पढ़ सकता है लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।